और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया जा चुका है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए गौरवान्वित महसूस होने की बात कही। सिनेमा यात्रा पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और मिथुन चक्रवर्ती को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सिनेमा यात्रा पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। और इस पूरी खबर की जानकारी के साथ अनुप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुप, क्या कुछ जानकारी है? ये पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया जा रहा है और किस दिन दिया जाएगा, क्या इस बाबत भी कोई जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर है। खुद इसको अश्विनी वैष्णव जो कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने ये बताया है। उन्होंने बताया कि इस बार जो ज्यूरी है दादा साहब फाल्के अवार्ड का, उन्होंने ये फैसला लिया है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है और उसमें खुद अश्विनी वैष्णव ने सारी चीजें बताई है कि किस तरीके का योगदान मिथुन चक्रवर्ती का रहा है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि इसी अक्टूबर में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है और चूंकि उनके योगदान की प्रशंसा खुद अश्विनी वैष्णव ने की है, उसके अलावा वाकई अनुप, उनकी सिनेमाई यात्रा बहुत ही सुखद रही, प्रेरणा से भरी हुई रही और शायद इसीलिए उन्हें इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस वक्त एक नजर हेडलाइंस पर।